हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। अपनी आंखों से देखो, ऐसे मसीह उठाए जाएंगे। यीशु ने कहा था अपने वचन में, एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान आ पड़े कि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मगर आज हमारे मसीही भाई बहन जाग कहाँ रहे हैं? वे जाग कहाँ रहे हैं? वे तो गेट के सामने वाली लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, उसको मनाने में लगे हुए हैं। कभी मुझसे रूठ न जाए, कभी मुझसे बोलना न बंद कर दे। हम अपना जीवन सांसारिक चीज़ों में लगा रहे हैं, हम अपना कीमती वक्त नष्ट कर रहे हैं इधर उधर, अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं इधर उधर। क्योंकि मेरे प्रियो, समय थोड़ा बचा हुआ है, समय थोड़ा बचा हुआ है, मन फिरा लो। क्यों पाप करके अपने प्राणों को नाश करना चाहते हो? नर्क में जाना आसान मत नहीं है, थोड़ी सी मजा और अनंत काल की सजा दी जाएगी मेरे प्रियो। रोमियो 6:23 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप करोगे तो मृत्यु होगी होगी, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे अनंत जीवन उनका है, जो यीशु मसीह ने देने का वायदा किया है। जैसे मत्ती 25:41 वचन में लिखा हुआ है, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शरापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत काल की आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था मेरे प्रियो, परंतु हर एक मनुष्य पापी है और हर व्यक्ति को नर्क के लिए ठहरा दिया गया है। रोमियो 3:10 वचन में लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कि सबने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं है। यीशु ने कहा था, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। जैसा लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में 3:3 वचन में, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नर्क उन लोगों के लिए है मेरे प्रियो, अनंत दंड है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। जैसे मत्ती 25:46 वचन में लिखा हुआ है, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उस समय दुष्ट लोग अनंत काल की आग में तड़पते होंगे और धर्मी जन स्वर्ग में राज्य करेंगे। इसलिए पाप करके शैतान के पीछे नहीं जाना, नहीं जाना, वरना शैतान के पीछे पीछे आपको नरक में जाना पड़ जाएगा। देखिए, शैतान को मालूम है कि एक मसीह किस पाप में गिरता है, और वह शैतान उस मसीह को उसी पाप में गिराता है, और हमारे मसीही नौजवान शैतान के जाल में तड़ती हुई मछली की तरफ फंस जाते हैं। और वह मसीह उस शैतान के जाल से निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं निकल पाते, तो सुनो, क्योंकि उसके अंदर वचन न होने के कारण, वचन की गहराई न होने के कारण वह मसीह शैतान की जाल से नहीं निकल पाते हैं। आप इसी तरह पाप करते रहिए और मरने के बाद सीधा डायरेक्ट नर्क में चले जाइए। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए। अभी समय है, लौट आओ मसीह के पास। जैसे नूह के दिन थे, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दिन में तो सभी लोग अपने खेतों में काम काज करते हैं, मगर जो यीशु मसीह पर विश्वास करता होगा, जो पवित्र होगा, वो उठा लिया जाएगा और दूसरे को वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक को ले ली जाएगी और दूसरी को छोड़ दिया जाएगा चक्की पीसने के लिए। जिस पर विश्वास करती होगी, जो पवित्र होगी, उसको यीशु मसीह उठा लेगा बदलकर। उस रात दो जन खाट पर सोते होंगे, एक को बदलकर उठा लिया जाएगा और दूसरे को वहीं पर सोने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां मार्केट जा रही होंगी, एक को बदलकर उठा लिया जाएगा और दूसरे को मार्केट जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उस समय हाहाकार मचा होगा इस धरती पर, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि हमारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, वचन में बने रहना है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, उसी घड़ी ये समस्या आ जाएगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जब यह समस्या आए तो उसके साथ जरूर चले जाना, यहाँ मत रह जाना गलती से भी। यहाँ जैसा लिखा 4:13 और 17 वचन में,
हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नई शोक करो, इन्हें आशा नहीं है। पौलुस ने साफ बताया है उनके विषय में जो अन्य जाति हैं, उनके विषय में हम सोते ना रहे, अज्ञान ना रहे, क्योंकि उन्हें आशा नहीं है और हमें आशा है कि यीशु मसीह में लेने आएगा। 16 वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 वचन में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आएगा, तब यीशु मसीह जो बड़ा स्वर्गदूत होगा उसको यीशु मसीह आज्ञा देगा कि तुम जाओ, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है उनको बदल कर ले आओ, और जो मसीह में मर गए हैं वे सब पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और हम सभी प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए हर घड़ी तैयार रहो मेरे प्रियो। ये साथ ही सलोनिकियों 5 देखिए 2, 4, 5, 6 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है चोरी करने, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय, हम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है, अच्छी तरह से जानते हैं कि जब रात को चोर चोरी करने आता है तब कोई नहीं जानता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, वैसे ही यीशु मसीह आ जाएगा। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार के नहीं हो कि वह दिन तुम पर अचानक चोर के समान आ पड़े, क्योंकि आपको तो पता ही सच्चा परमेश्वर कौन है मेरे प्रियो, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं, क्योंकि हम सभी ज्योति की संतान है। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, अन्य जातियों की नाई सोते ना रहें, जागते और सावधान रहें। ठीक है, जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ जरूर चले जाएं। इसलिए हर घड़ी तैयार रहना है, ठीक है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, पवित्रता का जीवन बिताना है। जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर चले जाएं, ठीक है। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह बनने के बस दबा के शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।